नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन की वॉचिंग MNS न्यूज। नमस्कार, मैं MNS न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। अगस्त महीने से हुई भारी बारिश ने हिमाचल में बड़ी तबाही मचाई थी। कई सड़कें, पुल, घर बह गए थे। बारिश से लगभग 16 लोगों की मौत हुई थी। हिमाचल को 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी हुआ था। हरियाणा की टॉपर बेटी के साथ हुआ गैंगरेप। पीड़िता की मां बोली, मोदी जी कैसे बचाए और कैसे पढ़ाए आखिर बेटी को। रेवाड़ी प्रदेश में टॉपर और राष्ट्रपति से सम्मानित 19 साल की युवती का कथित रूप से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता के गांव के 12 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है। पीड़िता की मां रो रो कर पीएम मोदी से न्याय मांग रही है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जबकि दुनिया में कई तरह के अंधविश्वास खत्म हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा के शहर पिहोवा में आज भी नारी जाति मंदिर में माथा टेकने से डरती है। मजेदार बात तो यह है कि ये कोई व्यक्ति का फरमान नहीं है, बल्कि हिंदू धर्मों से जुड़ा हुआ एक तथ्यों से जुड़ा सच। केंद्र में सत्ता रखने वाले बीजेपी ने अभी एक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की स्थापना के लिए अपनी स्पष्ट भूमिका घोषित की है। हालांकि यह मंदिर चेंबूर के सह्याद्री मित्र मंडल द्वारा बनाया गया है, जो भक्तों के लिए प्रमुख आकर्षण है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।